मेरा नाम डॉक्टर आसिफ महमूद है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर और मीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटेड हूँ। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से किया। उसके बाद मैंने जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग है जनरल मेडिसिन में इनिशियली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल उसके साथ अटैच है वहाँ से किया। उसके बाद सेकंड फेलोशिप जो मेरी सुपर स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी उसकी ट्रेनिंग मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर से की। करंटली मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं स्पेशली जो स्टमक की बीमारियाँ हैं जिसमें बहुत सारा स्टमक अल्सर्स हैं, स्टमक कैंसर है और इसके अलावा जो अंतड़ियों की बीमारियां हैं जिसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द और बहुत सारी रिलेटेड जो फूड की एलर्जीज़ हैं जो अंतड़ियों को मुतासर करती हैं और दूसरी जो दायमी बीमारियां हैं जिससे अंतड़ियां मरीज़ों की मुतासर होती हैं वो हम डील करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो हम अपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज ना सिर्फ मैदा अंतड़ियाँ बड़ी आँत के सिलसिले में फ्राहम करते हैं तो एज ए हेपेटोलॉजिस्ट भी, चूँकि हमारे यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एज ए हेपेटोलॉजिस्ट भी काम करते हैं तो जिगर की जितनी भी बीमारियाँ हैं जिसमें कॉमनली हमारे यहाँ काला यरकान जिसे हम हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं, पीला यरकान जैसे हेपेटाइटिस ए ई और इसके अलावा जो दूसरा जिगर का बढ़ना है जिसमें बहुत कॉमनली आजकल जिगर की चर्बी जिसकी वजह से जिगर बढ़ जाता है स्पेशली शुगर वाले मरीज़ों में जो कि आगे चल के काले यरकान की एक वजह बन सकता है, उसका भी इलाज हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है उसमें हम फुली ट्रेंड हैं जिसमें अपर जी एंडोस्कोपी जिसे हम गैस्ट्रोस्कोपी कॉमनली लोग कहते हैं, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी जो बड़ी आंत का मुआयने का टेस्ट है, ERCP जो कि जिगर के अंदर और पित्त से आने वाली नाली का मुआयना और उसके जो तकलीफ़ें हैं उसके इलाज का टेस्ट है वो हम करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बच्चे जिसमें फॉरेन बॉडी है निगल लेते हैं उसको निकालना, बायोप्सी करना मैदे की तकलीफ़ों के लिए और उसको जांचने के लिए उन सर्विसेज को देखते हैं। कोई ट्यूमर या कोई पॉलिप या कोई छोटी मोटी रसौली जो कि इसके निज़ाम निज़ाम के ट्रैक पे बन जाता है उसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है वो हम अपने सेंटर पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एक फुल सेटअप है जिसमें पूरी टीम के साथ ये कर रहे हैं। एक जो यूनिक काम है जो कि बहुत सारी जगहों पे शायद नहीं हो रहा वो है वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी मैनेजमेंट जो कि बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी बीमारियों की वजह है। उसमें हम एक रिवर्सिबल प्रोसीजर करते हैं जो कि पूरी दुनिया में होता है। यहाँ पे हम गैस्ट्रिक बैलून स्टमक में प्लेस करते हैं जो कि 6 मंथ के लिए रखा जाता है और अमूमन हमारे मरीज़ों में जिनमें हमने वो बैलून प्लेस किया है वो बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं उस बैलून को और उससे 20 से 25 किलो वज़न 6 महीने में कम हो जाता है। इसके 2 फ़ायदे, एक तो ये कि जाहिर है सर्जरी के दौरान जो भी आप प्रोसीजर करेंगे वो बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है, जो प्रोसीजर कर दिया जिसे हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं तो जाहिर है उससे स्टमक छोटा हो जाएगा, वो दोबारा वापस नहीं हो सकेगा। और लेकिन जो गैस्ट्रिक बलून है उसको 6 महीने के बाद हम निकाल सकते हैं और आप उस दौरान अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके और उसको मेंटेन करके अपने वज़न को बरकरार रख सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम वो तमाम बीमारियां जो कि मैदा जिगर अंतड़ियों से रिलेटेड हैं उसको ट्रीट करते हैं और उसमें अपर लोअर एंडोस्कोपीज, ERCPs, लिवर की बायोप्सी और जो उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बच्चों के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है उसको निकालना है, कुछ छोटे मोटे जो ट्यूमर्स होते हैं वो एंडोस्कोपिकली बग़ैर बड़ी सर्जरी के हम उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो इसी डोमेन को डील कर रहा होता है। तो कॉमनली जो प्रोसीजर्स हैं, जो कॉमनली जो बीमारियां हैं जिसे हम आम जुबान में मैदे की तेजाबियत, जिगर की इन्फेक्शंस और अंतड़ियों की इन्फेक्शन जिसमें दायमी डायरिया या कब्ज़
या खून का आना बड़ी आंत से या मुंह के रास्ते खून की उल्टी आना, इन सब को हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे डील करते हैं। बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी, अगर आप उन सर्विसेज से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए एक बेहतरीन फोरम अवेलेबल है जो मरहम के नाम से, आपको इंटरनेट पे और वो सारी उनकी वेबसाइट से उनके अपॉइंटमेंट भी मिल सकते हैं, उस सारे प्रोसीजर्स की तफसील भी मिल सकती है और जो उसकी फ़ी चार्ज है वो भी सारी तफसील जो है वो इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकती है। तो इसके लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने प्रोसीजर के लिए टाइम लेना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको इनिशियली आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।